अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार 17 फरवरी को 10 साल का मौसम की सटीक जानकारी देने वाले सैटेलाइट इनसेट 3DS को लॉन्च किया। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शाम 5:35 पर लॉन्च किया गया। सैटेलाइट की लॉन्चिंग GSLV-F14 रॉकेट से हुई। ये 19:13 में 37,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी पृथ्वी की ऊपरी कक्षा में पहुंचा। 1 जनवरी 2024 को PSLV-C58 एक्सपोसेट मिशन की लॉन्चिंग के बाद 2024 में इसरो का यह दूसरा मिशन है। यह इनसेट 3D सीरीज की 7वीं उड़ान है। इस सीरीज का आखिरी सैटेलाइट इनसेट 3DR 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के मुताबिक 10 नवंबर 2023 से इनसेट 3DS के वाइब्रेशन टेस्ट शुरू किए गए। यह 6 चैनल इमेजर और 19 चैनल साउंटर के जरिए मौसम से जुड़ी जानकारी देगा। साथ ही सर्च और रेस्क्यू के लिए जमीनी डेटा और मैसेज रिले करेगा। इसरो ने कहा कि 2,274 किलोमीटर बजने ये उपग्रह मौसम से जुड़े सटीक अपडेट में हेल्प करेगा। मौसम के साथ साथ आपदा को लेकर भी अलर्ट जारी करेगी। ये सैटेलाइट इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम की जानकारी देगा जिससे राहत और बचाव कार्य में सहयोग हो सकेगा। ये सैटेलाइट खासतौर पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMG और पृथ्वी विभाग मंत्रालय के तहत विभिन्न विभागों को सेवा प्रदान करेगा।